आज हम सीखेंगे रेसिप्रोकल, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं व्यतिक्रम। तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं ये जान लीजिए। यदि यहाँ पर दिया है 8, 8 का रेसिप्रोकल निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/8, यानी कि 1/8, यानी कि 1 के डिवाइड में कर देते हैं। इसी तरीके से देखिए 7/5, इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो हर में है वो अंश में पहुंच जाएगा, ये 5 ऊपर और ये 7 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से 7/5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो हो जाएगा 5/7। अब देखेंगे यहाँ पर एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को हिंदी में कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, अगर आपको 3 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या करेंगे, इसके आगे 3 के आगे सिर्फ ये माइनस लगा देंगे। तो 3 का योगात्मक प्रतिलोम हो गया कितना, -3। अगर -3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो हो जाएगा 3। इसी तरीके से देखिए 13/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -13/7। अब एक चीज़ और देखिए, अगर हम लोग किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम और उस संख्या को अगर जोड़ते हैं तो आंसर आ जाता है हम लोगों का 0। देखिए चेक करते हैं, 13/7 ये, और इसका योगात्मक प्रतिलोम था -13/7, इसको जोड़ेंगे -13/7। अब ये माइनस ये और ये प्लस, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस बचेगा। 13/7 ये लिख लिया, वही माइनस प्लस से हो गया ये माइनस, और ये 13/7। अब 13/7 में से 13/7 घटा दीजिए तो आ गया 0। कहने का मतलब है एडिटिव इन्वर्स यानी कि योगात्मक प्रतिलोम और उस संख्या जिसका योगात्मक प्रतिलोम है उन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 आता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 -3, 3 में ये जोड़ेंगे -3, यानी कि इनका जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 0। तो कभी भी योगात्मक प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स और उस संख्या को जोड़ते हैं जिसका ये योगात्मक प्रतिलोम है तो 0 आता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल के केस में क्या होता है, जो संख्या है जैसे कि यहाँ 8 थी, 8 और उसका रेसिप्रोकल 1/8, इनका अगर मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 1 आएगा। 8 से 8 काट दिया तो 1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखिए 7/5 था, कितना था 7/5, और इसका रेसिप्रोकल था 5/7, इनका जब गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो जब किसी भी संख्या और उसके रेसिप्रोकल का गुणा यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 1, और किसी संख्या और उसके योगात्मक प्रतिलोम का जब जब ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0। अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि -113 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो जिन लोगों ने सीख लिया है वो ज़रूर कमेंट करके आंसर बताएंगे। -113 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा कमेंट में लिखिएगा।